आर न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। रेवाड़ी के रेलवे जंक्शन पर आज पीएसी के मेंबर एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन पर फैली तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए कुछ नई योजनाओं का भी खुलासा किया। पीएससी के मेंबर एवं रेलवे के एडीआरएम ने एचआर न्यूज से बात करते हुए कुछ यूं कहा, जरा आप भी सुनिए। क्योंकि रेवाड़ी हमारे नॉर्थ वेस्ट रेलवे का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है जो दिल्ली और हमारे राजस्थान की सीमा को जोड़ता है। दिल्ली डिवीज़न और जयपुर डिवीज़न के मध्य का स्टेशन है। इसमें पैसेंजर एमिनिटीज से संबंधित जो हमने काम किए हैं या ऑलरेडी जो फैसिलिटी अवेलेबल हैं वो हमारी पीएसी टीम के माननीय सदस्यों ने देखा और उसको सराहाया भी है। और जहां कमी हमारे को उन्होंने बताई कि भाई यहां इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है उसको हम निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट करेंगे। और एक नया एक हम प्रोजेक्ट अभी सेंक्शन कराया है तो इसके पूरे फसाड को, इसके सर्कुलेटिंग एरिया को, सभी प्लेटफॉर्म्स को और इम्प्रूवमेंट करके यात्री सुविधा में बढ़ोतरी करने का विचार हमारा है। क्या क्या उसके अंदर कुछ बताया, क्या कुछ नई कुछ करने की? उसमें एक तो जो सर्कुलेटिंग एरिया में ड्रेनेज सिस्टम का एक इशू है, पार्किंग का जो इशू है उनको हम इम्प्रूव करेंगे। फसाड काफ़ी अट्रैक्टिव फसाड नहीं है, विकलांग यात्रियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए जैसे रैंप है या और कोई जो सुविधा है, विकलांग टॉयलेट्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। और जो यहाँ की बेसिक समस्या है स्टेशन की कि खारा पानी होने की वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन काम होता है वो बहुत लंबा समय तक नहीं चलता, तो हम ये कोशिश करें कि जो हम काम करें वो 40-50 साल तक चले। इसमें एक तो हमारी जो आरपीएफ की टीम है बहुत सजग है और अभी हमने एक कंट्रोल स्टाफ जयपुर डिवीज़न के कंट्रोल रूम में स्थापित किया है, उस नंबर को वाइडली पब्लिसाइड किया है। आई थिंक 1098182 नंबर से कोई भी आप करेंगे तो हमारी जो हमारी टीम फील्ड में है वो तुरंत मुस्तैदी से उसको पकड़ती है, पहली बात। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं, स्पेशली जयपुर, फुलेरा, अजमेर से जो उधर की तरफ से आते हैं, रींगस, नार, आपके सीकर में, सवाई माधोपुर साइड से जो आ रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को कनेक्ट करके उनके पेरेंट्स को दिया है। एक और हमने बड़ा प्रयास किया है कि सीसीटीवी कैमरेज बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, यहाँ अभी तक 26-27 हमारे कैमरे काम कर रहे हैं, हमने 110 कैमरे का प्रस्ताव ऑलरेडी लगा दिया है और एक बड़ा टेंडर पैन इंडिया बेसिस पे हो रहा है जिसके तहत हम और सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इसके अलावा हमारे जो लोकल एनजीओज हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा तारतम्य है, कोऑर्डिनेशन है। प्रयास उनमें से एक है जो चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ हमारा उनका साथ लिंक है, तो ऐसे चीज़ों को रोका जाए। लोकल प्रशासन जितना भी हमारा है उसके साथ भी हमारा संपर्क है। एक जनाब रेलवे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बाहर जो एंट्री के हालात भी आपने देखे होंगे, अंदर रेलवे स्टेशन में ऑटो खड़े रहते हैं, आपकी बाउंड्री के बाहर अतिक्रमण पूरा कहीं ना कहीं किया हुआ है, नहीं लगता यात्रियों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ की व्यवस्था कुछ की जाए? नहीं, उसके लिए हम एसी के मेंबर जो हमारे यादव साहब हैं इनसे भी निवेदन किया है कि जो सिविल अथॉरिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारी सीमा तक ही काम कर पाते हैं, जो सिविल अथॉरिटी का काम है, लोकल प्रशासन है, उसका एक दायित्व बनता है कि कुछ चीज़ें जो उनको करनी चाहिए वो करें। यानी कि यहाँ की जीआरपी है, क्राइम जो रेलवे के बाहर होता है उसकी जिम्मेदारी सिविल अथॉरिटी एंड जीआरपी। जैसे अभी मैं देखा कि बाहर एंट्रेंस पे आपने जैसे बताया कि लोग बाग जो मार्केट में आते हैं या मार्केट के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में आके यूरिनेशन कर रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो पब्लिक प्लेस है, कोई पकड़ेगा नहीं। ये सिविल अथॉरिटी का दायित्व है कि कोई भी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाता है या कोई चीज़ डेवलप करता है पब्लिक के लिए तो उनके लिए सिविल एमिनिटीज़ भी होनी चाहिए। तो हम तो हमारा दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा हमारे पीएसी के मेंबर से और मेरी सिविल अथॉरिटी के आपके सामने भी बात भी हुई है, उन्होंने एश्योर किया है कि इस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। हमने पिछली बार भी आप लोगों ने मीडिया में कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी, पानी की समस्या है, जो समस्या है,
तो पिछली बार भी मैं आया था और हमारे एडीआरएम साहब और बाकी स्टाफ भी थे यहाँ। तो एक तो मैं आपको बता दूँ, पिछली बार से सो फार बेटर है। बहुत सी हमने जैसे कमियाँ उस टाइम में मिली थी तो उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो आज कोई विशेष कमी हमें नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ नई प्रपोजल हो, नई चीज़ बने, जैसे एस्केलेटर की बात थी तो हमारे यहाँ रैंप है, सीसीटीवी कैमरेज फिलहाल 27 हैं तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए, टॉयलेट्स हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए, कोई अलग ब्लॉक्स बनाए जाए, तो उसके लिए एक नई प्रपोजल भी इन्होंने दी है। तो काफ़ी सुधार, पहले से बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। एक मतलब मेन प्रॉब्लम यह है कि आउटसाइडर दो तरह के हर्डल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गंदगी फैलाते हैं, बाउंड्री के अंदर आते ही वहीं पर टॉयलेट कर देना, पेशा वगैरह करना, गंदगी करना, जिस तरह का होता है। और दूसरा कुछ इस प्रकार के नशे से लेके और वो आते हैं तो कुछ वो हर्डल क्रिएट करते हैं। तो हमने आज आरपीएफ को भी स्ट्रिक्टली इसके लिए कहा है कि भी आप थोड़ा कंट्रोल करें, जीआरपी को भी हमने बोला है कि वो भी क्योंकि बाउंड्री से बाहर का सारा मेट्रो को देखते हैं, उनसे भी हमने कहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने अभी जैसे मैंने भाई रेलवे अथॉरिटीज़ वो अपनी बाउंड्री में तो लैंड ऑर्डर और अदरवाइज कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री टच है जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, खासकर जो बाहर दुकानदार हैं, चाय के हैं, खाने के हैं, दूसरे हैं, अब लोग वहाँ सब कुछ खाते पीते हैं और फिर अंदर आकर उसका मिसयूज़ करते हैं। तो मेरी एसडीएम साहब रविंदर जी से बात हुई अभी और जल्दी एक डेट तय करेंगे कि रेलवे अथॉरिटीज कंसर्न जो है प्लस हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो बैठ के और ये जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं या जो मिसक्रिएट कर पैदा कर रहे हैं या जो नशे की लत वाले आकर या किसी तरह की अव्यवस्था फैलाते हैं उसको हम जल्दी रोक देंगे। बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या सफाई जो है वो सारा बिगाड़ते हैं। उधर से भी एक जैसे पानी भरने वाले था निकासी के लिए भी अभी प्रपोजल दिया है तो एक नाला बना के वो सारा डिस्पोजल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो टीम है रेलवे के जो ऑफिशियल आज चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं और ईमानदारी से उनकी इंटेंशन भी है कि सारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो और ये हमें देखने को मिल रहा है। हफ्ता भर पहले मैं आया था, कुछ आप जो लोगों ने मीडिया ने विशेषकर हाईलाइट की थी, पब्लिक ने भी कुछ बोला था और उसमें मोर देन 90% इम्प्रूवमेंट होना विद इन ए वीक। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटेग्रिटी के इनके ऊपर है कि इनका कितनी इनिशिएटिव लेकर और काम को सीरियसली करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं रेलवे की उन्होंने ईमानदारी से अच्छा काम किया, छोटी मोटी कोई बात उसको इम्प्रूव करेंगे। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के जो लैंड ऑर्डर की बात है, गंदगी की बात है, नशेड़ियों की बात है या और अदरवाइज अनसोशल एलिमेंट की बात है किसी भी तरह की, तो उसको डेफिनेटली हम रोकेंगे। और वास्तव में रेवाड़ी जो जैसे पहले भी हमारा इस पूरी बेल्ट का हम तो जब सुना करते थे कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा छोटी लाइन का एक जंक्शन है एशिया का है, तो आज उसी रूप में जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो रियली जो सुनते थे वो वास्तव में हमने देखने को मिलेगा, तो ऐसा मुझे लगता है। वीर कुमार जी, आपने रेलवे की बाउंड्री के अंदर बात की कि नशेड़ी है या और है, लेकिन सबसे बड़ी हमने जो पाया आजकल ट्रेनों के अंदर बैड एलिमेंट चढ़ते हैं नशा करके, उनको रोकने के लिए क्योंकि सवारियों में दहशत का माहौल रहता है, डरती है सवारी करती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कार्य योजना है? लेकिन मुझे आपने फर्स्ट टाइम हमारी नॉलेज में डाली ये बात, एक दो बात और तो आई थी, लेकिन नशेड़ी रेल में घूमते हैं कोई बाबाएं खूब आपने देखा होगा पूरी ट्रेनों को रोक लेते हैं तो नशेड़ी उसके अंदर घूमते हैं, दारूगा कहीं ना कहीं डब्बों के अंदर भी चलता है, यात्री लेके चलते हैं, उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? क्यों यात्री परेशान? आपने बताया, अच्छी बात है, हमारी जानकारी मेरी जानकारी में तो कम से कम फर्स्ट टाइम आई है। हमने अभी मैंने जो ट्रेन अभी आई थी रुकी थी चली गई और आ रही है, अंदर जाकर हमने फैसिलिटीज को चेकअप किया है क्योंकि हमारा काम क्या है, यात्री को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा मिशन ही है, हमारा विजन है कि उनको मूलभूत सुविधा नहीं, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, बेंचेज हों, चेयर हों, पंखे अच्छे हों, हवा मिले, शुद्ध पानी पीने को मिले, टॉयलेट साफ हों, टॉयलेट में पानी हों, पंखे हों, यानी इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमराज हमने लगा रखे हैं। तो हमारा पर्पज मेन ये है कि यात्रियों को पैसेंजर्स को एक अच्छी सुविधा मिले, क्वालिटेटिव सुविधा मिले, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये जो आप बता रहे हो ट्रेन में इस प्रकार की कोई हैपनिंग हुई है मेरी जानकारी में तो सबसे पहले नहीं थी। हमारे आरपीएफ के हमारे सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हैं, रेलवे के बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों की जानकारी में कोई आएगी डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये नहीं चलेगा किसी भी सूरत में। एक जनाब ये बाहर की जैसे हमने उनसे भी सवाल किया, हालांकि मामला रेलवे का बाउंड्री का, लेकिन जो बाउंड्री के बाहर जो अव्यवस्था है, अतिक्रमण है, आप खुद बाहर जाकर देखें
किस तरीके से लोगों ने कंप्लेन की है कि यात्री स्टेशन तक आए उनको सुविधा मिल पाए, उसके लिए क्या व्यवस्था करवाई जाए? नहीं, अतिक्रम से आपका मतलब है कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है या कोई नहीं, ऑटो खड़े हो जाते हैं बीच के अंदर, व्यवस्था नहीं है, लोगों ने अपने दुकानें काउंटर बाहर निकाल रखे हैं, यात्री कहाँ से आए जो व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है सामान लाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए क्या कुछ प्लान? ठीक बात है, देखो जो यात्री ये इनका अनहेल्दी कंपटीशन होता है व्हीकल्स का सवारी लेने के मामले में, तो डेफिनेटली उसमें हम आज ही बात करके जाएंगे कि उनको अलर्ट हो। सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि दीवार से थोड़ा सा पीछे हटके आउट ऑफ बाउंड्री रेलवे की, और फिर वहाँ वो ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं, तो इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो भी हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर प्लस हमारा रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, ये बैठ के और इस समस्या का समाधान करें। ऑटो वगैरह घुसते हैं स्टेशन के, ऑटो व्यवस्थित तरीके से लगे, क्योंकि सवारी को जबरन जबरन बैठाया जाता है या जबरन ऐसा? मोहन जी, मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में जानकारी नहीं रखता, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ को ज़्यादा नॉलेज होती है कि इन्होंने पासिस दे रखे हैं अथॉराइज पार्किंग है नहीं है। आपने बताया, हम जानकारी ले लेंगे, अनऑथराइज होगा डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, और अगर इनको अथॉराइज है लाइसेंस वगैरह है तो सिस्टमेटाइज करेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का समाधान जल्दी ही हम करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पीएससी के सदस्य वीर कुमार जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर अपनी बेबाक राय रखी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR News, रेवाड़ी।